अटल भूजल योजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में। तो वहीं जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला इसमें शिरकत करें और अभी संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए सुनते हैं। एक एक बूंद का सांगोपांग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता था, लेकिन आजकल आप देख रहे हो मंजन करते थे तो एक गिलास में या लोटे में पानी लेके करते थे, टोंटी जल रही है आप मंजन कर रहे हो कितना पानी वेस्ट जा रहा है। इसी तरीके से पहले एक आदमी आधी बाल्टी में पौनी बाल्टी में ना लेता था, अब कम से कम 8-10 बाल्टी सावर चला करके नहाता है, पानी खराब चला जाता है। अब जमाना जो है पानी की बचत का है। हम तो कई बार अभी हमने बीच में हमारे लोकल सेल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से उनके अधिकारियों से बातचीत की, उसके परिणाम स्वरूप पहले 300 मीटर तक के प्लॉट का पानी जो है उसको आवश्यक रूप से जल संरक्षण में के उपयोग में लेना था, लेकिन अब उन्होंने अभी अभी 200 मीटर वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए ये चीजें आवश्यक कर दी है। जल संरक्षण जितना जरूरी है उतना ही जल की बचत उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आज आपने ये देखा होगा कि हमारे जितने भी कृषि के संबंधित कार्य हैं उसमें खासतौर से मैं कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर चाहूंगा, हमारी इंदिरा गांधी ने नहर परियोजना के फर्स्ट स्टेज में 5.23 क्यूसेक पानी हम किसानों को दे रहे हैं, सेकेंड स्टेज में 2.5 क्यूसेक और लिफ्ट में मात्र 2 क्यूसेक, तीनों जगह खेती हो रही है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप जब तक ड्रिप इरिगेशन, फवारा खेती, बूंद बूंद सिंचाई, इजरायली पद्धति, इन पद्धतियों को जब तक हम नहीं लाएंगे जल की बचत नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर ड्रेन सिस्टम जो है, मतलब पानी वहां पर भी जितनी आवश्यकता है वो तो ठीक है, बाकी ड्रेन आउट करो। इसी तरीके से जो घरों में पानी यूज होता है वो सीवरेज के माध्यम से जाए, उसको ट्रीटमेंट करके, उसकी रिसाइकलिंग करके, और उसके बाद या तो भूजल के रूप में संरक्षित रखा जाए अथवा रिसाइकिल करके उसको पेड़ पौधों में अथवा अन्य चीजों में उसका काम लेना आवश्यक है। इसलिए ये अटल भूजल योजना जो आई है, इस योजना के उद्घाटन के अवसर पर मुझे जाने का मौका मिला था। इसका उद्देश्य साफ है कि हमको भूजल के गिरते हुए स्तर का पुनर्भरण करके और हमारे जो डार्क जोन बन रहे हैं उनको पुनः जल से आप्लावित करना है, और ये तभी होगा।